अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नेक्स्ट हमारी क्लास है आज, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक्स को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा था। कूलम्स लॉ के बाद हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि अगर हमने कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी है जिस पे कोई ना कोई चार्ज है, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव बॉडी के चार्ज का कोई ना कोई एक ऐसा एरिया होगा, कोई ना कोई एक ऐसी रीजन होगा, फील्ड होगी, जहाँ पर इसके हम करंट को महसूस कर सकते। तो अगर हम यहाँ पर एक और पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती, कोई अफेक्ट नहीं होता, तो हम ये कहेंगे कि ये वाला चार्ज इस चार्ज की रेंज से बाहर है। इसकी यहाँ से यहाँ तक इस चार्ज की एक रेंज है जिसको हम फील्ड का नाम दे रहे हैं। फील्ड मीन्स द एरिया द रीजन इन विच अ चार्ज कैन बी फेल्ट। एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जहाँ पे हम चार्ज के करंट को, उसकी इंटेंसिटी को महसूस कर सकेंगे, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इंटेंसिटी होगी, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमारा अगला टॉपिक जो हमने भी स्टडी किया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मुराद ये है कि हम इस चार्ज में से कितनी फोर्स को यूनिट चार्ज के ऊपर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अगर इस चार्ज को हम इसकी रीजन के अंदर यहां पर कहीं पर ले आए, तो ये बॉडी जिसको बॉडी बी कह ले, ये बॉडी इसकी चार्ज की कितनी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। मींस कि अगर हम इसको इसके करीब लाते जाएं, जैसे जैसे इसके करीब लाते जाएंगे, तो ये वाली बॉडी जो है इसके ऊपर और ज्यादा चार्ज लगाती जाएगी और ज्यादा फोर्स लगाती चली जाएगी। अगर हम एक ए बॉडी लेते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज है और एक बी बॉडी है जो कि नेगेटिव चार्ज है, अब चूंकि ये बी बॉडी फिलहाल ए बॉडी की फील्ड से बाहर है, तो इसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं हो रहा। अब जब ये बॉडी बी जो है ये ए बॉडी के फील्ड के अंदर आती है, ए बॉडी के रीजन के अंदर, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर बॉडी ए जो है इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडी बी इस कॉल्ड एज इट्स इंटेंसिटी, ये उसकी शिद्दत होगी। अब जैसे जैसे ये बॉडी बी जो है बॉडी ए के करीब आती जाएगी, मीन्स इसका डिस्टेंस कम होता जाएगा। कूलम्स लॉ में भी हमने यही बात पढ़ी है कि जैसे जैसे इसका डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, मीन्स इसकी फोर्स बढ़ती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इसी चीज का नाम है, इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी चीज़ का नाम है कि कोई भी चार्ज बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लगा सकती है, कितनी ज़्यादा इंटेंस है, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाएगी। अब जैसे जैसे आप उसकी फील्ड के, उसके रीजन के करीब आते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला अगर आपने देखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला होगा फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। मीन जो फोर्स आप लगा रहे हैं उसको आप डिवाइड कर देंगे चार्ज के साथ। फोर्स का यूनिट है न्यूटन और चार्ज का यूनिट है कूलम। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट भी स्टडी कर सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किस चीज को कहते हैं, इसको देखते हैं हम।
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब ये है कि अगर हमें एक रेस्ट चार्ज है, एक ऐसा चार्ज है जो कि पॉइंट चार्ज है, मूव नहीं कर रहा, वो बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं करेगी, हमें उस बॉडी के चार्ज को मूव करके एक न्यूट्रल बॉडी में डाल। मीन्स ये कि एक ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, इस बॉडी के अंदर बहुत सारे इस तरह करके इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस। हम चाहते हैं कि इसका चार्ज किसी दूसरी न्यूट्रल बॉडी में जिसके तमाम चार्जेस बराबर हैं, इसका चार्ज उस दूसरी बॉडी में शामिल हो जाए, इसका चार्ज उस दूसरी बॉडी में इंटर हो जाए, उसको हम कहेंगे इंड्यूस होना, इंडक्शन ऑफ चार्ज। इंडक्शन ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि अगर इस बॉडी का चार्ज किसी न्यूट्रल बॉडी में चला जाएगा तो उसको हम कहेंगे चार्ज इंडक्शन, और ये चार्ज इंडक्शन इलेक्ट्रोस्टेट्स पे हो रही है, स्टेट एट द पोजीशन ऑफ रेस्ट हो रही है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का नाम दें। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है जी, इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई एक बॉडी जो कि चार्ज्ड बॉडी होगी, जिसके ऊपर एक कंबाइन पॉजिटिव या कंबाइन नेगेटिव चार्ज होगा, वो बॉडी किसी न्यूट्रल चार्ज बॉडी की न्यूट्रल बॉडी को अपना चार्ज ट्रांसफर करेगी, और न्यूट्रल बॉडी को चार्ज ट्रांसफर करते वक्त वो बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। मींस हम इसको किसी मींस ऑफ अनदर सोर्स हम इसको ट्रांसफर करेंगे चार्ज, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इसके जो मेन पर्पस है वो ये है कि किसी एक अनचार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर देना, ये इसका मेन पर्पस है कि अगर एक अनचार्ज बॉडी है हम उसको चार्ज करना चाह रहे हैं तो उसको हम चार्ज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंडक्शन। जस्ट लाइक अगर आपके पास एक मैग्नेट का पीस है, एक मैग्नेटिक बार है आपके पास, और फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मैग्नेटिक बार है, और इस मैग्नेटिक बार की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है हम चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी इस नॉन मैग्नेटिक बार के अंदर भी आ जाए, तो एक नॉन मैग्नेटिक बार के अंदर जो कि न्यूट्रल बार है इसके अंदर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, हम चाह रहे हैं कि इस मैग्नेटिक बार की प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाए, इसकी भी बॉडी मैग्नेटाइज हो जाए, इसकी बॉडी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखना स्टार्ट कर दे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस बॉडी को इस बॉडी के ऊपर रब करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम एक नॉन मैग्नेट को, एक ऐसा मेटल जो कि नॉन मैग्नेट है, उसको अगर हम किसी मैग्नेट के ऊपर रब करना स्टार्ट कर देंगे तो रब करने से क्या होगा, रब करने से इस बॉडी के अंदर मैग्नेटिक चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, और वो मैग्नेटिक चार्ज इसकी प्रॉपर्टी को नॉन मैग्नेट से मैग्नेट में ट्रांसफर कर देगा। इस बॉडी के चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बॉडी जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक पावर पहले रखती थी अभी भी उतनी रखती है, बट इसने अपनी फील्ड के जरिए, मैग्नेटिक फील्ड के जरिए इसने अपने चार्ज को ट्रांसफर करके इस बॉडी को भी मैग्नेटाइज कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से एक नॉन इलेक्ट्रिक बॉडी के बीच में अनचार्ज बॉडी के पास अगर आप एक चार्ज बॉडी को लेके जाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसकी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वजह से, इंटेंसिटी की वजह से एक अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाती है। इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये है कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो उसका डिफरेंस होगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हमारे पास डिवाइस है, ये कोई भी एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। अब इस इलेक्ट्रिक डिवाइस में यहाँ से हम अपना चार्ज जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो चार्ज हम यहाँ से पहुँचा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो चार्ज है ए। अब ए चार्ज का जो प्रेशर है, जो ए चार्ज की इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी पूरी की पूरी तो बी पॉइंट तक नहीं पहुंचेगी, उसके बीच में कोई ना कोई लॉसेस भी आएंगे, तो जो बीच में लॉसेस आएंगे उस लॉसेस को हम डिफरेंस का नाम देंगे, और वही हमारा एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होगा,
जो लॉस आएगा किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ट्रांसफर करते वक्त, चार्ज को एक्युमुलेट करते वक्त, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते वक्त जब हमारे पास लॉस आएगा, उस लॉस को हम डिफरेंस का नाम देंगे और वही डिफरेंस बेसिकली हमारा इन दोनों कॉर्नर्स का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अब चूंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू वोल्टेज है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक है, तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, इसको कैलकुलेट ऐसे किया जाएगा कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो उसका तरीका ये होता है कि टोटल हमने जितनी इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लगाई उसको हम डिवाइड कर देते हैं जितना चार्ज हमारा ट्रांसफर हो। मींस टोटल जो भी हमने इसके ऊपर एनर्जी लगाई या जो भी वर्क डन किया उसको हम डिवाइड कर देते हैं चार्ज, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। मीन यहाँ से यहाँ तक एक चार्ज को पहुंचाने में, यहाँ पर एक चार्ज था, लेट सपोज वी हैव अ चार्ज क्यू। अब इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने में हमने कोई ना कोई काम किया होगा, कोई ना कोई एफर्ट लगाई होगी, कोई ना कोई वर्क डन किया होगा। तो वो जितना भी हमने वर्क डन किया है उस वर्क डन को अगर हम डिवाइड कर देंगे चार्ज से, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आ रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। अब जो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। किसी भी डिवाइस के अंदर चार्ज को स्टोर करना है और किसी भी डिवाइस के अंदर चार्ज को आपने मेंटेन करके रखना है, यानी कि अगर आपको कोई एक ऐसी डिवाइस चलानी है, कोई एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसको स्टार्ट करने के लिए शुरू में आपको बहुत ज़्यादा करंट देना पड़ता है, आपको शुरू में बहुत ज़्यादा एनर्जिया उसकी ब्रेक डाउन करने के लिए, उसका चार्ज एनर्जिया ब्रेक डाउन करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है। अब इतनी एनर्जी आपका सर्किट प्रोवाइड नहीं कर रहा, आपका सर्किट अगर इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उस डिवाइस के अंदर एक छोटा सा टनल लगा देंगे, एक छोटा सा हम कैपेसिटर लगा देंगे, सिलेंडर लगा देंगे। एक ऐसा सिलेंडर होगा जो कि एनर्जी को पहले से स्टोर करके रखेगा अपने अंदर, और जब हम पीछे से सर्किट को क्लोज करेंगे तो सर्किट क्लोज होने के बाद जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो वो करंट आकर उसमें उसको स्टार्ट कर देगा। जस्ट लाइक जो हमारे पास ज़्यादा बड़ी डिवाइसेस होती हैं जिनकी मशीनरी बड़ी होती है उसके अंदर हम इस कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, लाइट्स के अंदर, बल्ब्स के अंदर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि फैंस के अंदर, मोटर्स के अंदर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फैन और मोटर की चार्ज इनर्शिया को ब्रेक डाउन करने के लिए, शुरू में इसको स्टार्ट करने के लिए हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है, और वो जो शुरू में हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चाहिए होती है वो फोर्स हमें अपने सर्किट के जरिए अपने रिक्वायर्ड वोल्टेज के मुताबिक नहीं मिल पाती, तो इसलिए हम उसमें एक ऐसी डिवाइस लगाते हैं जो कि शुरू में उसको चार्ज करती है और शुरू में उसको एक जर्क देती है। जब जर्क मिल जाता है तो उस जर्क के बाद वो ऑटोमेटिकली वो है सर्कुलेट करती रहती है। इसको हम कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ डिवाइस इन विच वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ चार्ज, और इसमें जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर किया जाता है द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस, एबिलिटी, चार्ज को स्टोर करने की जो सलाहियत है उसको हम कहते हैं एबिलिटी। अब इसके अंदर चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत के साथ साथ कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि जो प्लेट्स हम लगाएंगे इसके साइड में, अगर इस प्लेट्स का हम एरिया बढ़ा दें, हमने किसी कंटेनर के बीच में प्लेट्स लगाई हुई जो कि चार्ज को स्टोर कर रही हैं, अगर हम इसका एरिया बढ़ा देंगे, अगर हम इसको बड़ा कर देंगे प्लेट्स को, तो प्लेट्स को बड़ा करने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी।
पहली चीज इसका एरिया बढ़ा देना है, ठीक है। अगर हम इन दोनों का एरिया बढ़ा देंगे, इसका साइज बढ़ा देंगे, तो जितनी बड़ी प्लेट होगी, जितना ज्यादा उसका एरिया होगा, उतना ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। दूसरा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इसको आप कम कर देंगे। जितना डिस्टेंस कम करेंगे, कैपेसिटेंस और चार्ज की उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरी चीज, इसके चार्ज को, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारे माइनस माइनस हैं और यहाँ पे सारे प्लस प्लस हैं, तो इसके चार्ज को यहाँ तक फ्लो करने के लिए हम बीच में कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक कोई लिक्विड हम इस्तेमाल कर देते हैं, कोई हम लोग इसके अंदर बीच में इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर देते हैं। तो जो हम डाई इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं बीच में, जो लिक्विड यूज़ करते हैं, उसकी नेचर के ऊपर भी हमारी कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही होती है। अगर वो गुड कंडक्टर होगा, वो बेस्ट कंडक्टर होगा, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटेंस मिलेगी। अगर बीच में हमने एक ऐसा एयर छोड़ दी है, एयर इज़ अ इंसुलेटर, अगर हमने बीच में एयर छोड़ दिया तो वो हमारी कैपेसिटेंस इंक्रीज नहीं करेगी। अगर उसकी जगह हम कोई लिक्विड इस्तेमाल करें, कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐसा इस्तेमाल करें जो कि बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो हम इस कैपेसिटेंस की मजीद एबिलिटी को बढ़ा भी सकते हैं। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें चार्ज स्टोर हो रहा है, उसमें कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं उसकी एबिलिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। और हम किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को डिपेंड कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इन तीन से चार मेन फैक्टर्स हैं। अगर हम इनका एरिया बढ़ा देंगे प्लेट्स का, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अगर बीच का डिस्टेंस कम कर देंगे, तब भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। या फिर अगर हम इसके बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक ऐसा डाल दें जो कि गुड कंडक्टर होगा, उस सूरत में भी हम इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। इस कैपेसिटेंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो रिलेट कर रहा है ओम्स लॉ से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड सेल एंड इट्स काइंड। इसको इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।